आपका स्वागत है एक कदम प्रकृति की राह पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि मैंने देसी गोवंश अपने भारतीय वंश की गाय पर, इसके प्रमोशन पर, इसकी देखभाल पर, इसके केयर पर और संवर्धन पर काम शुरू किया। ये आप देख रहे हैं, ये साहिवाल, प्योर साहिवाल गाय है। इसको हम रेड गोल्ड भी बोल सकते हैं। ये पिछले साल मैंने 2019 के बिगनिंग में, या ऐसे कहें कि 28 दिसंबर 2018 के एंड में मैं दो गाय लाया था। एक आप उधर देख रहे हैं वो थी, उसके साथ वाली जो लाया था वो उस तरफ बंधी है, बिकॉज यहाँ इस शेड में जो भी गाय हैं वो सब दूध देने वाली हैं, और जो प्रेग्नेंट हैं उनको अलग से रखा गया है, और जो छोटे बच्चे हैं उनको, छोटे बच्चे हैं उनको अलग से रखा गया है। तो इस ये बात करते हैं कि हमें देसी गोवंश पे ध्यान क्यों देना चाहिए, और क्या कारण थे कि हम लोग देसी गोवंश से भटक के HF और दूसरी गायों पे चले गए। लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि ये गाय मारती है, दूध देने में तकलीफ देती है। तो मैं एक तो पहले इसके करेक्टरिस्टिक्स पे बात करता हूँ। इसके करेक्टर्स पे, ये प्योर शुद्ध देसी गाय है। आप इसका गलकंबल देखेंगे बहुत अच्छा है, इसकी नाभी देखेंगे बहुत अच्छी है, इसकी लेवटी देखेंगे। अभी सुबह के 9 बजे हैं, अभी हमने दूध निकाला है। चारों इसके थन देखेंगे बहुत अच्छी शेप में है। आप देखेंगे कि दूध निकालने के लिए भी इसको मुठिया थन बोल देते हैं, बिल्कुल वो शेप में है। ये फर्स्ट टाइम इसने बच्चे को डिलीवरी दी है, फीमेल काफ है इसके नीचे। माफ़ी चाहूँगा, मैं अभी इन किसी भी गाय को बेचने की स्थिति में नहीं हूँ, सिर्फ मैं ब्रीडिंग पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में कोई भी व्यक्ति मेरी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है कुछ काम कर रहे हूँ। मैंने सोचा कि हम लोग गायों को राजस्थान से, हरियाणा से लेके आते हैं, तो जब उनकी डिलीवरी होनी होती है तब लेके आते हैं, या तो डिलीवरी हो गई होती है। तो दोनों ही कंडीशन में अगर किसी गाय ने डिलीवरी की दे दी है, डिलीवरी हो चुकी है उसकी, तभी भी ठीक नहीं है, और डिलीवरी होने वाली है तो भी ट्रांसपोर्टेशन में ठीक नहीं है, क्योंकि 99% तकलीफ उस समय बच्चों को होती है जब उसकी डिलीवरी हो गई होती है। तो आने में 3 से 4 दिन लगते हैं, और उतने में उसका सारा जो सिस्टम है 4-5 दिन में, क्योंकि रिसेंटली उसकी डिलीवरी हुई होती है, तो उसको देखभाल की, केयर की बहुत ज़रूरत है। लेकिन कंटिन्यू 5 दिन के ट्रैवल में उनका सारा सिस्टम, इमीडिएट डिलीवरी हुई थी उस तरह से वो अपने आप को नॉर्मल नहीं महसूस करती, और बहुत सारे केसेस में आने के तुरंत दूसरे या तीसरे दिन ही उनका बच्चे की डेथ हो जाती है। तो पूरा 2 नुकसान हमें होते हैं, तो वो लैक्टेशन पीरियड उसका पूरा गया, दूसरा एक जो नई जनरेशन आने वाली थी उसका हमें नुकसान हो गया। तो मैंने कोशिश की कि यहाँ महाराष्ट्र में करीब 150 से 200 गाय प्रतिदिन राजस्थान से और हरियाणा से आती हैं, तो क्यों ना हम यहीं पे इसका कुछ ऐसा उपाय करें कि यहाँ के लोगों को वहाँ से नहीं लानी पड़े, और यहाँ के हैं, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 घंटा या 5-7 घंटे में महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्टेशन से जा सकती हैं, तो इतना एडजस्ट कर लेती हैं। आप देखते हैं कि ये गाय का के नीचे आप अभी दूध निकाल रहे हैं, इसके नीचे आप अभी बैठ जाइए, फिर से चाहिए तो बच्चे को छोड़ दीजिए, और दूध देने के लिए कभी भी ये तकलीफ़ नहीं देती है। आप देख रहे हैं एकदम सीधे स्वभाव की गाय है। तो चलिए, आज मैंने दो गाय, मेरे मित्र हैं यहाँ पे, उनसे मेरी मित्रता हो गई, डॉक्टर गौरव, उनके किसी रिलेटिव को चाहिए थी, तो वो काफ़ी क्षेत्र में जाते रहते हैं, उनको कहीं ऐसा सिस्टम नहीं मिला जो इस तरह केयर करता है और प्रमोशन पे काम करता है। अभी जो गाय दिखा रहा था मैं, ये उसकी फीमेल काफ है, ये करीब 10-12 दिन की बच्ची है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा दूध नहीं दे सकते अभी, जब तक ये झेलने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन हम अपने ये जो बच्चे, जो आने वाली जनरेशन है, उनको आधा दूध, जो गाय हमारे यहाँ है, कोई भी गाय ऐसी नहीं है जिसकी मिल्क कैपेसिटी एक दिन में 15 लीटर से कम है। तो अभी जैसे जैसे ये इनकी एज बढ़ती जाएगी, हम लोग इनको ज़्यादा दूध पिलाना शुरू करेंगे। एक दिन में हमारा प्रयास रहेगा कि 4 से 5 लीटर एक बच्चे होते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन को हम अच्छे से तगड़ी बना सकें, और उनका उनकी मिल्किंग कैपेसिटी भी बढ़ा सकें। चलिए आपको मिलवाता हूँ, मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सुपुत्र मिस्टर गर्वी चौधरी। इनका काम प्रमोशन का है, ये वीडियो बना के अपलोड करना और आप तक पहुंचाना इन्हीं की ड्यूटी है। एक और मेरे भाई हैं सजल तालियान, वो बाहर गए हुए हैं, तो
ये दोनों मिलके वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में मेरी मदद करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, ये मेरा काम जो मैं दोस्तों गौ के प्रति कर रहा हूँ, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो दो लोगों के साथ कम से कम शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे आपके सुझाव दें। थैंक यू वेरी मच।